Hello, hello, good morning, India. So your dost or host Rakesh Mishra all the way from Toronto, Canada. दोस्तों पिछले हफ्ते मैं नहीं आ सका था मंडे मॉर्निंग की सभा में, तो आज आपके सामने हाजिर हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है इस मंडे मॉर्निंग सभा का, और वो टॉपिक है लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो दोस्तों आज हम लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। आज हम देखते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, इतना ज्यादा प्रेशर है लोगों पे। 30-30, 40-40 के यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूं अपने लिए, और आज सोचा कि क्यों ना मैं वो शेयर करूं। या तो एक डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि जो भी चीज मैं आज शेयर करने जा रहा हूं लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर, वो अपनी मैं खुद की प्रैक्टिस शेयर करने जा रहा हूं। ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूं, ना तो कोई फिजिशियन हूं। अगर इसमें कोई सी भी चीज जो मैं बताऊं, अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहें, तो दोस्तों आप अपने फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। लेकिन ये लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और आज के समय में बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों हम इस लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस का जो नाम देंगे वो है मिरेकल मॉर्निंग पावर आवर। या तो दोस्तों लाइफ मैनेजमेंट के लिए क्या है आज की डेट पे, कि लाइफ क्या होती है? लाइफ बनती है सालों से, और साल बनते हैं महीनों से, महीने बनते हैं हफ्तों से या वीक से, और वीक बनते हैं डेज से। या सो इफ यू वांट टू मैनेज योर लाइफ, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, मैनेज योर डे एंड यू विल मैनेज योर लाइफ। या जैसे कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि आज पे जीना सीखो, तो चलिए आज हम आज की बात करेंगे। सो इफ यू मैनेज योर डे वेल, यू विल एबल टू मैनेज योर लाइफ वेल। या लेकिन चलिए एक और स्टेप हम लोग आगे चलते हैं कि डे को मैनेज करने के लिए क्या होगा। आज को अगर आप मैनेज करना चाहें तो उसके लिए कहां से शुरुआत करनी होगी? दोस्तों डे की शुरुआत होती है जब हम मॉर्निंग में उठते हैं। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मैनेज योर मॉर्निंग एंड मैनेज योर डे। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि इफ यू मैनेज योर मॉर्निंग, बेसिकली मॉर्निंग में जैसे ही आप बेड से उठते हैं, तो जो पहला घंटा होता है उसका मैंने नाम दिया है, या बहुत लोगों ने नाम दिया है, मॉर्निंग पावर आवर। तो मॉर्निंग का जो पहला आवर है उस पे कुछ प्रैक्टिसेस जो मैं करता हूं और लोग करते हैं, और वो मैं आज शेयर करूंगा। अगर वो पावर आप अच्छी तरीके से मैनेज करना आ गया तो पूरा दिन आपका पावरफुल होगा। और दोस्तों जब आज का दिन आपका पावरफुल हो गया तो एवरी डे जो नेक्स्ट डे आएगा वो आज ही होगा। तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू कि यू आर मैनेजिंग योर मॉर्निंग एंड दैट इज हेल्पिंग यू टू मैनेज योर डे। एंड इफ यू आर एबल टू मैनेज योर डे, यू विल एबल टू मैनेज योर वीक, मंथ्स, ईयर एंड फाइनली दोस्तों पूरी जिंदगी मैनेज करना आ जाएगी। तो आज हम इसी पे विचार करेंगे। बेसिकली जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों होता क्या है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी उम्र 20 साल 25 साल या 30 साल होती है, उस समय क्या होता है कि जैसे एक इंजन होता है या एक ट्रेन या कोई व्हीकल होती है, सब कुछ नया नया होता है और सब सेल्फ सस्टेनेबल होता है। चाहे आप खाना खाएं या खाना ना खाएं, या कोई अगर उल्टा सीधे भी खा लिए पी लिए तो वो भी बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे ही आप 30 के ऊपर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक गाड़ी की तरह, एक इंजन की तरह, ये बॉडी भी आपका मेंटेनेंस मांगती है। ठीक है, लेकिन स्पेशली जब आप 40 क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों, 40 के बाद की एज हम कहते हैं कि हाँ जी ये तो मिड एज, यू नो 40 से 50 के आसपास से 45 के आसपास बोलते हैं, ये तो जी मिड एज है। तो ये जो मिड एज क्राइसिस का भी नाम देते हैं, या इसको हम प्रेशर कुकर एज भी बोलते हैं,
क्यों प्रेशर कुकर एज बोलते हैं, चलिए थोड़ा सा इस पे मैं बोलना चाहूंगा। दोस्तों क्या होता है जब आप 40 के हो जाते हो तो क्या होता है कि चांसेस आर देयर कि अगर आपने खाने में पीने में बहुत ज्यादा अगर परहेज नहीं किया, एक्सरसाइज और अपने हेल्थ पे परहेज नहीं किया, तो चांसेस आर देयर कि पेट आपका बाहर आना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, बाल भी ग्रे होने लगते हैं या झड़ने लगते हैं, थोड़ा सेक्सुअल डिजायर भी कम होने लगती है। और उसके बाद ये एज ऐसी होती है 40-45 टाइम से शादी हो गई तो बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, उनको भी अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना होता है, उसके लिए पैसे चाहिए होती हैं, आपको अपनी ड्रीम कार भी खरीदनी होती है, ड्रीम घर भी खरीदना होता है, ड्रीम वेकेशन भी बनानी होती है। और तो क्या होती है कि एक साथ इतनी सारी चीजें आने लगती हैं और साथ में आप ये भी अब सोचने लगते हैं अरे 40 का हो गया मैं, 45 का हो गया, 10-15 साल 20 साल रह गए रिटायरमेंट के लिए, तो ऑल ऑफ सडन बहुत सारे प्रेशर एक साथ आ जाते हैं। और अगर आपने ठीक से अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया है, अपने खाने पे और अपने सोचने पे, जैसा कि बोलते हैं ना कि आपका जो आपकी जो बेसिकली जो लाइफ है, जो आपका जो शरीर है, वो दो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक होता है कि आप अपने दिमाग में क्या फीड करते हो और एक होता है कि आप अपने पेट में क्या फीड करते हो। जैसा कि लोगों ने बताया है या सुना है कि ज्यादातर जो बीमारी का जड़ आपका पेट होता है कि आप क्या खाते हो, तो अगर इस पे आपने कंट्रोल नहीं किया तो चांसेस हैं 40-45 बाद की ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शुगर हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, अल्टीमेटली मैं इसी पे आ रहा हूँ कि अगर ये आपको जितना जल्दी आप एज में, डजंट मैटर अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, कोई भी ये जो मिरेकल मॉर्निंग पावर आवर को फॉलो कर सकता है और उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और पूरी जिंदगी आप मस्ती के साथ गुजार सकते हैं। 70 की एज में भी एक यूथ की एनर्जी और फीलिंग्स रहती हैं। तो चलिए आते हैं कि ये मॉर्निंग पावर आवर है क्या। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं डिस्क्लेमर करना चाहूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ये मैं बुक से या कॉन्फ्रेंसेस से और एक्सपर्ट से मैंने सुन के या पढ़ के या ट्रेनिंग लेके मैं फॉलो करता हूं एवरी मॉर्निंग एंड दैट हैज चेंज माई लाइफ। लोग दोस्तों मेडिटेशन और योगा का नाम तो जरूर सुना होगा, हाँ ये हमारी ईस्टर्न आर्ट है योगा और मेडिटेशन, लेकिन सडनली पिछले 10-15 सालों में क्या हुआ है कि योगा और मेडिटेशन इतना ज्यादा हावी हो गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि आज बड़े बड़े चाहे वो गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर स्पेशल रूम बना रखे हैं, मॉर्निंग का अलग होता है, लंच का अलग होता है और स्पेशल प्रैक्टिशनर आते हैं ऑन प्रीमाइज टू ट्रेन ऑन योगा एंड मेडिटेशन, एंड इवन साइंस हैज प्रूव दैट दिस योगा एंड मेडिटेशन स्पेशली मेडिटेशन हैज सो मेनी एडवांटेज। तो दोस्तों लाइक मेनी ऑफ यू इंडिया से आता हूँ, सोचता हूँ अरे छोड़िए ये योगा मेडिटेशन है ये कहाँ, ये सब यू नो कुछ नहीं है फालतू। ये मैं अपनी दोस्तों सोच बता रहा हूँ कि ये मेरी 2.5 साल के पहले ये मेरी सोच हुआ करती थी, लेकिन होता क्या था कि मैं ऑफिस में रहता था और 2 बजे के बाद आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, लेथार्जिक, जैसे लगता एनर्जी ही नहीं है। तो अचानक सोचता था यार ये योगा और ये मेडिटेशन ये क्या है, तो पता नहीं कोई विश्वास सा नहीं होता था। लेकिन एक दिन आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं कैलिफोर्निया में था और देन आई गॉट चांस टू मीट दिस जेंटलमैन, और उस जेंटलमैन का नाम है और कि उनका नाम है हैल एलरॉड और उनकी बुक थी जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग। दोस्तों ये जो मिरेकल मॉर्निंग अगर आपको बुक मिल जाए तो ओहो जरूर पढ़ें या जरूर सुनें जिस भी रिसोर्स से मिलेगी, तो उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया तो और वहां से ये शुरू होती है हमारी ये मॉर्निंग पावर आवर की जर्नी, ये हमारा सोर्स था दोस्तों। चलिए इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं क्या चाहूंगा कि कुछ नाम बोलना चाहता हूं जो दोस्तों ने ज्वाइन किया है मेरे साथ यहाँ पे, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इसके पहले कि मैं एक्चुअल प्रैक्टिस पे आऊं। अब बड़ी सिंपल प्रैक्टिस है, होता क्या है कभी कभी योगा और मेडिटेशन पे अगर आप बुक्स पढ़ने लगे तो पूरी बुक पढ़ ले जाएंगे, लेकिन कहीं ये नहीं बताया गया ठीक से कि भैया ये 5 स्टेप हैं, आप ऐसा करो और मेडिटेशन कर सकते हो। तो मैं वो आपको शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से करता हूं, लेकिन दोस्तों लाइफ बिल्कुल बदल गई
बहुत मजा आता है, आप करके देखिएगा और तब बताइएगा और जरूर करिएगा। मैं तो बोलता हूं कि ये सबके लिए है, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे छोटे हैं। आप कुछ लोगों में ये भी सोच रहे होंगे, अरे राकेश ये कई क्या नई चीज बता रहे हो, तो सबको मालूम है। हाँ दोस्तों, सबको सब चीजें मालूम होती हैं, लेकिन कोई इस तरीके से अपना किसी से शेयर नहीं करता है, तो वो मैं शेयर करने जा रहा हूं आपसे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जब दो दिन नहीं करता हूं तब मालूम चल जाता है कि हाँ वो उस मेडिटेशन और उस योगा, उस मॉर्निंग पावर आवर का कितना इम्पैक्ट मेरी लाइफ में है। चलिए हम कुछ नाम पहले पढ़ते हैं, उनको शुक्रिया करते हैं। तो हमारे महेंद्र कुमार पाल साहब, थैंक यू वेरी मच। सुनील कुमार पटेल जी, थैंक यू वेरी मच। जीतू सिंह ऑल द वे फ्रॉम बम्बई, नमस्ते जीतू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और शर्मिना नील्स कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। नौशाद अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। राहुल श्रीवास्तव जी, थैंक यू वेरी मच। बर्नार्ड वैन स्पाइक, थैंक यू वेरी मच। ट्रेसी गिब्स, sorry guys, I don't know if you are able to understand, because this is the program for Hinglish listener. Hinglish means Hindi and English. Hindi is my new Indian national language, and English of course that is spoken in Canada and the worldwide. So this program I conduct in Hinglish, Hindi and English mix. So probably you may not able to understand some of my listeners, so I'm really really sorry for that. Kyunki हिंदी में जब बोलता हूं तो और अच्छा है, प्राउड फीलिंग होती है और हमारी और ऑडियंस भी जुड़ती है। तो ट्रेसी गिप्स एंड देन गौरव साइंटिस्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्पेश काकू, थैंक यू वेरी मच। ग्योनी टेम्पेसी, थैंक यू वेरी मच। सेवा अ ग्रुप से, आई डोंट नो हु इज द फेस बिहाइंड इट, बट थैंक यू वेरी मच। प्रेमजीत ग्रेवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। सॉरी लुशियानी, थैंक यू वेरी मच। सुधांशु चतुर्वेदी साहब, थैंक्स अ लॉट। एंड देवेंद्र बंसल साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड देन के एम अट्टा, हमारे खालिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो दोस्तों चलिए मैं शेयर करता हूँ कि जो हमारा मॉर्निंग पावर आवर मेरा होता है, मैं उसमें क्या करता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, सुबह से पहले मैं शाम को बता दूं, जिसको कि मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूं, मैं कोशिश पूरी करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय यहां पे कनाडा में 11:20 रात के हो चुके हैं। तो क्या होता है कि दोस्तों, सुबह आपका जो एक पैसे होने के बाद जो पहला घंटा होता है, उसका जो एक तरीके से प्लानिंग शाम से ही शुरू हो जाती है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि आपका जो स्लीपिंग टाइम, जो स्लीपिंग पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हो कि राकेश आप बोल रहे हो लेकिन खुद नहीं फॉलो कर रहे हो, अभी 11:30 और आप अभी देखिए लाइव कर रहे हो। हाँ मैं बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने एक थियरी भी क्रिएट की, उसके वीडियोज भी बनाए, उसका नाम है 888 मिश्रा थियरी, 888 मिश्रा थ्योरी फॉर स्लीपिंग। तो उसका मतलब क्या, 888 का मतलब क्या कि जो 3-8 है, वो 3-8 का मतलब है कि फ्रॉम 8 PM इवनिंग टू 8 AM मॉर्निंग, सो बिटवीन 8 PM टू 8 AM चूज एनी 8 hours इन द नाइट एंड स्लीप फॉर दोज 8 hours, बट द कंडीशन इज दैट एवरी डे यू गो टू द सेम टाइम टू द बेड। ऐसा नहीं कि एक दिन शुरू किया 8 बजे शाम से लेके और फिर पता लगा कि 4 बजे सुबह उठ गए, दूसरे दिन 10 बजे सोए और 6, ऐसा नहीं। सो बिटवीन 8 PM टू 8 AM टेक एनी 8 आवर्स, चूज एनी 8 आवर्स, आइदर 10 to 6 और 12 to 8 आर। सो आइडियली इज 10 to 6 इज अ वेरी गुड टाइम, एंड सम पीपल से इवन द greatest achiever that 9 to 5, basically 5 AM early riser, उनका group भी है, and that is most effective। कुछ लोग 7 घंटे उसको कर लेते हैं and they go 10 to 5, yeah। So basically that is the 888 theory which I created for myself and I try to follow, but some days I miss like today, yeah। So that is the, you have to maintain, because you know it's not that easy, because someone said that you know only very very rich people can afford to sleep 8 hours on the same time between 8 PM to 8 AM, because most of the people, the kind of the profession they are, the kind of service and product they serve, that they have to awake you know late. Some people they work in the shift, it's very very difficult, but believe me, you know, most of the time we try to sacrifice our sleep to earn more dollar, but later on we have to sacrifice our health also a big time. So it's not, if you can afford, I think
you'll be the luckiest person if you can afford to have 8 hours sleep between 8 p.m. to 8 a.m. consistently. That will be a really, really life-changing experience for you, for your family, and for your long-term well-being. Yeah? Okay. So first thing, so that is, you know, suppose that you have that 8 hours sleep and even you woke up in the morning. So morning, what happened? The very first thing that, you know, of course, if you want, you know, just go to brush your teeth and just very first thing, take a half liter of water. That's what I do. So very first thing after I wake up, I go to the refreshment, to fresh. And after that, I take half a liter of water every morning. That is the very first thing. Now, the second thing goes to the meditation. So I do 20 minutes of meditation. When I started, I was doing 2 minutes, 1 minute, and one of my coach, Brendan Bouchard, so I was attending his seminar, and he has even given the video, and this video is available on YouTube. It's called the Release Meditation. Release Meditation, and Brendan Bouchard. So if you search, you will get 30-minute video. 10 minutes he has spoken about all the guidelines, and after the 20 minutes you can just play that music and then you can start meditation. So that's what I understood the meditation definition, that try to sit down quietly and try to control your thoughts. So no thoughts means you are doing great. So in the earlier months, it was difficult for me. Even more thoughts were coming, but slowly after now around two and a half years. Now, I won't say that I can stop 100% thought, but now I'm in very, very controlled position, and rather I enjoy it. Because those 20 minutes, I tell myself, Rakesh, this is your time. Forget about whole world. Forget about everything. This is your time. Just enjoy and connect with yourself. Believe me, my dear friends, just try to sit down 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, and then slowly you have a control, and that you will have amazing feeling. So that is the thing. Second thing I do, 20 minutes meditation. I switch on in my cell phone the 20 minutes basically music given by Brendan Bouchard, that Release Meditation on YouTube, and I just 20 minutes meditation. After the meditation is over, dosto, then I do our exercise. It's up to you. Depends how old you are. If you are really elderly person, what exercise means is some kind of the movement. You know, the blood circulation has to be there. Just increase the heartbeats, you know. So what I do basically push-ups and the sit-ups, and followed by, I know, a 5 to 7. Sometimes it depends, like a round of sun salutation. I think the sun salutation, if you can do it, that is, you know, full body, every part of body gets kind of the exercise with the sun salutation. Surya Namaskar, jisko hum Hindi mein bolte hain. Aap YouTube mein jao, saikro hajaro videos pade hue hain sun salutation kaise kiya jata hai. To dosto, that's what I do as a part of my exercise. Push up, sit up and sun salutation. Oh, that is especially sun salutation. It's like you are overhauling every part of your body. So dosto, ye abhi hamara power hour continue hai. उसके बाद एक्सरसाइज के बाद जब मैं शावर में जाता हूं नहाने के लिए दोस्तों, तो शावर से पहले एक्सरसाइज के बाद और शावर के पहले क्या है बीच में, वो मैं करता हूं कुछ राइटिंग वर्क. एक तो हम बोलते हैं जिसको ग्रेटिट्यूड जर्नल, तो मैं क्या करता हूं कि पेन और पैड रखा होता है, तो उसमें मैं एक पेज में 5 मिनट बेसिकली लिखता हूं. तो उसको मैं ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलता हूं कि कल क्या क्या हुआ, क्या अच्छी अच्छी चीजें कौन सारी हुई लाइफ में. तो कल के बारे में आज सुबह लिखता हूं कि थैंक यू करता हूं कि ये चीज हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, अच्छा हुआ. और 2-3 चीजें लॉन्ग टर्म की भी रिपीट करता हूं कि यू नो कि हैव अ फैमिली, आई हैव अ हेल्थ, आई हैव अ वेल्थ, आई गॉट चांस टू लिव द सच अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक इंडिया एज वेल एज कैनेडा. तो ये सारे थैंक यू लिखता हूँ लिटरली. तो उससे क्या होता है कि आप बोलोगे अरे राकेश ये क्या बकवास है, दोस्तों ये बकवास नहीं होती है, यू राइट लाइक यू मीन इट. उससे क्या होता है कि बेसिकली जब आप थैंक यू बोलते हो अंदर से खुशी होती है, तो होता क्या है, पहली बात
एक ले मैं लैंग्वेज में बोलूंगा, लेकिन ये जो फीलिंग्स होती हैं, तो एवरी फीलिंग रिलीजेस सम काइंड ऑफ द केमिकल. मैं डॉक्टर की लैंग्वेज में नहीं जाता हूँ, वो जो बोलते हैं कि भाई उनके जो नाम लेते हैं तो मुझे याद भी नहीं उस पर जाता हूँ, लेकिन जितना पढ़ा है और जितना यू नो प्रैक्टिस किया है, और बताते हैं कि एवरी फीलिंग रिलीजेस अ केमिकल. और वो जो बैड केमिकल होते हैं वो आपको डिप्रेशन है, वो आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जो अच्छे उस टाइप के जो केमिकल हैं वो क्या करते हैं, आपको और खुशियाँ और अच्छा लगता है. तो वो फीलिंग आती है जब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में होते हो, बहुत काम होते हो, और अभी भी मेडिटेशन से उठे हुए होते हो, बढ़िया एक्सरसाइज से उठे हुए होते हो, ऐसा भी एकदम माइंड फ्रेश होता है, अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, और उसको मैं लिखता हूं. और साथ में मैं इंटेंशन फॉर द डे, मतलब उस दिन का इंटेंशन क्या है, हिंदी में वर्ड नहीं मालूम है, इंटेंशन का मतलब कि कैसे जीना चाहता हूं, कैसा हमारा दिन हो, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली बताता हूं. जितनी सारी चीजें मैं लिख रहा होता हूं दोस्तों, वो बेसिकली मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताता हूं, और सबकॉन्शियस माइंड उनको क्या कर लेता है कि परमानेंटली अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और टाइम टू टाइम उसी के हिसाब से वो आपके फीलिंग्स को फिर दिन में कंट्रोल करेगा. तो इंटेंशन ऑफ द डे रखता हूं कि आई एम गोइंग टू बी, माय इंटेंशन ऑफ द डे टू बी यू नो ब्रिंग अ ब्यूटीफुल थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स आए मेरे दिमाग में, और उस इंटेंशन से, या मैं आज हेल्पिंग मूड में हूं, या मैं आज पूरे जॉली मूड में रहूंगा, एक बच्चे की तरह यू नो खिलखिला के हंसूंगा, या यू नो उस तरीके से उस मूड में रहूंगा. तो इसको बोलते हैं कि आप एक इंटेंशन, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन दोस्तों, खाली इतना ही आप करोगे ना, बिलीव में इतना अच्छा दिन जाएगा. नहीं तो होता क्या है, अरे यार आज फिर वही दिन आ गया. दोस्तों शायद मालूम नहीं होगा आपको, या शायद सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पे, नॉर्थ अमेरिका में जो मैक्सिमम हार्ट अटैक आते हैं वो मंडे को आते हैं 8 से 10 बजे सुबह, बहुत सारे, मतलब कहीं से सुना है पढ़ा है, इसको आप सर्च डालिएगा. वो इसलिए कि लोग मंडे ऑफिस में जाने से सुबह 8 से 10 के बीच में तैयार होते हैं या जाते हैं, इतना स्ट्रेसफुल टाइम होता है. तो दोस्तों अगर जब आप इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे, आप पानी पिएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ऐसे अच्छे से थॉट्स लिखेंगे, तो उससे जो आपका बॉडी है ना, दैट इज गेटिंग रियली रियली एम्पावर्ड टू फेस द डे. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया थोड़ा सा क्या कहते हैं कि दो चीजें हो गई, एक तो मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा और एक हमने इंटेंशन लिखा. उसके बाद मैं क्या लिखता हूं कि 3 मेजर चीजें उस आज के दिन में मुझे क्या करनी है, मेजर टास्क, छोटे छोटे से बहुत होते हैं. अनफॉर्चुनेटली होता है कि अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्लान नहीं करोगे तो पूरे दिन में छोटे छोटे टास्क ही करते रहोगे, और बड़े टास्क से हमेशा आपको डर लगेगा. अरे ठीक है, तो आप जो बड़े टास्क है जिनको करने से आपका दिन में लगेगा कि आपने कुछ किया, तो वो 3 मेजर टास्क, चाहे वो आपके वर्क प्लेस के हों, चाहे आपके अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस के हों, या अगर मेरी तरह हो कि अगर होम ऑफिस से काम करते हैं या कोचिंग का काम करते हैं, तो यू नो कि कोई 2-3 मेजर कोचिंग हैंडल करनी है, अगर एक ही कोचिंग हैंडल करनी है तो उनके क्या मेजर टास्क है, तो कोई 3 मेजर टास्क ऑफ द डे आप लिख लो, वो भी पेपर में, क्योंकि उनको आपको फिनिश करना ही करना है नो मैटर व्हाट. तो ये हो गया दोस्तों लिखने का, तो ऑलमोस्ट वी आर डन. और उसके बाद क्या है कि एक, अब इसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, तो मेडिटेशन हो गई, एक्सरसाइज हो गई, जर्नल, हमने ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि इंटेंशन भी लिख दिया, और हमने क्या किया कि हमने 3 टास्क भी उस डे के लिख दिए. अब जब नहाने का टाइम होता, शावर में जाता हूं, तो दोस्तों जब भी आप शावर लें, डिपेंड है कि भाई आप कहाँ पे, जैसे इंडिया वगैरह में तो हर जगह आपका, कनाडा वगैरह, यहाँ वेस्टर्न जैसा नहीं होता है कि ठंडा और गर्म पानी एक ही टैप से आए, वहां भी लोग गीजर वगैरह चलाते हैं, जैसे भी हैं. तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या करें कि आप नहाएं, और उसके बाद लास्ट के जो 10-15-20 सेकेंड जितना आप सह सकते हैं, कोल्डेस्ट पानी जो आपके टैप से आ रहा है उससे आप नहाएं. या पर्सन लाइक टोनी रॉबिन्स, ज्यादातर लोग इसमें सुन रहे होंगे, टोनी रॉबिन्स को जानते होंगे, इतने बड़े स्पीकर हैं. तो वो लोग तो पता नहीं कितना फ्रीजिंग टेम्परेचर में 1 मिनट का बाथ लेते हैं. आई डोंट नो कि साइंस क्या है, बोलते हैं कि एवरी सेल ऑफ बॉडी गेट्स एक्टिवेटेड, गेट्स अवेकन इफ यू टेक अ कोल्ड शावर. तो शुरू में मैं नहीं ले पाता था, 2-3 सेकेंड किया एकदम से, लेकिन अब 10 से 15, अभी 9, अब आई गो अप टू 30 सेकेंड, जो हमारे टैप में यहाँ पे कनाडा में जो कोल्डेस्ट वाटर होता है, अप टू 30 सेकेंड. लेकिन उसके बाद यू फील सो फ्रेश. दोस्तों मैंने फिर मैं डिस्क्लेमर करना चाहूंगा कि मैं कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई फिजिशियन नहीं हूँ. ये मैं क्या खुद
फॉलो करता हूं, वो आपको बता रहा हूं, जो चीजें आपको अच्छी लगे या जरा से भी रिस्क लगे तो कंसल्ट योर फिजिशियन और कंसल्ट योर डॉक्टर या कंसल्ट योर एक्सपर्ट। तो मजा आ जाता है ये ठंडे शावर से। सुना था पहले बहुत, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करता हूं दोस्तों, सो आई एम ऑलमोस्ट डन दोस्तों। तो ये रहा हमारा पावर आवर। एक और चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी जैसा लगता है और एक तरीके से देखेगा तो ये स्पिरिचुअल आवर ही है हमारा, जो मॉर्निंग पावर आवर है। अच्छा दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप यस या वाई, वाई या एन पे टाइप कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आईली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज आप टाइप करें वाई और एन। अगर आप प्रैक्टिस मेडिटेशन करते हैं तो वाई टाइप करें और नहीं करते हैं तो एन, इफ यू कैन, यू नो, ऑफ कोर्स देयर इज नो फोर्स। ओके, सो एक लास्ट चीज रह गई दोस्तों, जो हमारा मॉर्निंग जो आवर होता है, तो मैंने जो बताया था, तो एक इंटेंशन ये मैं करता हूं कि पिछले दोस्तों कम से कम ऑलमोस्ट 5 years हो गए हैं दैट आई ट्राई टू टॉक वन स्ट्रेंजर एवरी डे। या तो मैं फिजिकली मिलता हूं किसी मॉल में या कहीं शॉपिंग में, या कुछ नहीं होता तो मैं फेसबुक में ही अपना जाके और जो हमारे फ्रेंड होते हैं या नहीं होते हैं देख के उनसे कम्युनिकेट करता हूं, टॉक करता हूं और खाली मैसेज कर लेता हूं, या समटाइम बी कम ओवर द फोन आल्सो, बट कुछ भी मुश्किल नहीं होती। बहुत ठंडी है, अगर बाहर नहीं निकल है, बाद दूसरी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर मिलेंगे, आपको एक स्ट्रेंजर तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि एक स्ट्रेंजर से डेली मिलें, और उस स्ट्रेंजर को आपको क्या करना होगा कि उसको आपको मुस्कुराहट देनी है, स्माइल देनी है उसके फेस पे, चाहे जिस तरीके से बात करें। तो ये आप अपना एक इंटेंशन बना लें कि एवरी डे आई एम गोइंग टू गिव अ स्माइल टू वन पर्सन। वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, वो क्या कहते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ऑफकोर्स यू हैव टू टेक यू नो योर ड्यू प्रिकॉशन, कॉमन सेंस की भाई किससे बात करने सेफ है नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दोस्तों जब आप किसी को स्माइल देते हो ना, कभी कभी कोई आदमी है खाली उसको आपने ये बोल दिया कि अरे मतलब लाइक यू मीन इट, झूठ को नहीं, सीधे सीधे कि अगर उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, शूज अच्छे लग रहे हैं, या कोई हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, या कोई बुक है, पर्स है, पेन है, कोई उसकी इसका आर्टिकल अच्छा लग रहा है, उसको आप बोलें कि इट लुक रियली लुक नाइस। या कभी कभी होता है कोई फोन कॉल आ जाती है आपके पास, चाहे वो सेल्स की कॉल हो किस तरीके से हो, या आपने किसी को कॉल किया और कोई लड़की है या लड़का है, आप ओ यू हैव, कभी लोग पूछते हैं कि सर डू यू नीड एनीथिंग एल्स, बोलिए कि थैंक यू वेरी मच, यू नो, एक तरीके से उनको बोल के आप अपने ऑफिस में कितने कैसे सपोर्ट कॉल्स होती हैं, कभी हेल्प डेस्क पे कॉल करते हो, खाली मुंह से आप बोल दो कि थैंक यू वेरी मच, यू नो यू हैव अ लवली वॉइस, और यू नो व्हाट द कस्टमर केयर इज, बेसिकली आपने किसी का दिन बना दिया दोस्तों। तो ये होता है, तो क्या कहते हैं कि यही ये किसी को स्माइल, किसी को खुशी एक अंदर से उसको कि ना उसका आपने दिन बना दिया दोस्तों। तो ये इंटेंशन रखें कि मैं पूरे दिन में 24 घंटे में बेसिकली बिफोर आई गो टू बेड आई विल गिव अ स्माइल टू वन स्ट्रेंजर एवरी डे। दोस्तों क्या होगा कि स्ट्रेंजर से बात करना इतनी बड़ी इसमें पावर होती है कि जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक कम्युनिकेशन स्टाइल आपकी अच्छी होती है और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। दोस्तों आज के दिन में जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कोई जॉब है तो वो जॉब होती है द जॉब ऑफ अ सेल्समैन। चाहे आप घर बेच रहे हो, चाहे आप कोई चीज बेच रहे हो, दोस्तों इनडायरेक्टली everybody is a salesman, you know, when you're talking to someone you are trying to sell to yourself in some way, sometimes you're selling your idea, sometimes selling your service, sometimes selling your product. तो जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हो तो क्या होता है, आपकी वो झिझक दूर हो जाती है, और अगर आपको झिझक लगती है, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट की फीलिंग होती है, तो एम्बेरसमेंट के लिए तो मैं एक ही फ्रेज बोलूंगा, अगर दोस्तों उसको आपने प्रैक्टिस में ला लिया तो जिंदगी में आपको बहुत फायदा देगी, और उस फ्रेज 3 words का फ्रेज है, और वो फ्रेज है एम्ब्रेस द एम्बेरसमेंट। कितने लोग हैं जो एम्बेरसमेंट की फीलिंग की वजह से कहीं पर इनिशिएटिव नहीं लेते, वो चाहे कोई प्यार का मामला हो, चाहे कोई चीज बेचने का मामला हो, और कहीं कहीं पे डर के मारे, अरे ये हम ऐसा बोलेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, वही सिद्धू साहब के लैंग्वेज में कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उस चक्कर में हम इतने अपने को शर्मिंदगी से बचाने के चक्कर में हम कोई स्टेप लेते ही नहीं। तो दोस्तों एम्ब्रेस द एम्बेरसमेंट, इतनी बड़ी पावर इस 3 words के फ्रेज
इज्म है कि आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं ना, तो कोई यहां पे बेच रहा हूं, ये सारे मैं कार अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूं। जब मैं अपने रायबरेली से इलाहाबाद गया, झिझक लगती थी क्योंकि गांव से शहर में गया था, और जब इलाहाबाद से दिल्ली गया तो इतना बड़ा शहर दिल्ली और इतना फास्ट लाइफ वहां पे, और झिझक, डर लगता था लोगों से बात करने में, ऑफिस में जाता था डर लगता था, लेकिन क्या करना, पीछे मुड़ने कोई रास्ता ही ना था क्योंकि घर जा नहीं सकता था, जॉब तो करनी करनी थी। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ता गया, फिर दिल्ली से मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से यूएसए, कनाडा, और आज देखिए आपके सामने पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों एम्ब्रेस द एम्बैरेसमेंट, ये इतनी बड़ी पावर है कि एम्ब्रेस द एम्बैरेसमेंट, इस फ्रेज को यूज करके दुनिया की पहली ऐसी फीमेल है जो अरबपति बन गई डॉलर्स में, उसका नाम है सारा ब्लेकली। सारा ब्लेकली लेडी है जिसने कि लेडीज के जो गारमेंट्स होते हैं, उसने एक स्पैंक्स नाम की कंपनी का एक तरीके से उसको शुरुआत की, और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सारा ब्लेकली, आप जाए गूगल में, सारा ब्लेकली, SARA, सारा ब्लेकली, BLAKELEY। तो सारा ब्लेकली ने क्या किया, जो एम्बैरेसमेंट उसका, सारा ब्लेकली बोलती है अपने इंटरव्यू में कि जब अपने घर जाती थी तो पापा उसके बोलते थे, जब कि स्कूल से जब घर जाती थी तो पापा बोलते थे, बेटी अच्छा टेल मी योर फेलियर, क्या तुम फेल कहाँ पे हुई, तो मतलब पापा उसको फोकस करता था फेल होने पे कि भाई फेल तब होगी जब कोई चीज तुम ट्राई करोगी। अरे दोस्तों इतनी बड़ी पावर है ना कि फेल अर्ली, फेल फास्ट, फेल भी, खैर हम उस पर अलग बाद में कभी जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको इसी बात से छोड़ता हूं कि आप एक ये भी चीज रखें कि सुबह आप जैसे उठें एक ये भी इंटेंशन रखें कि आज मैं सोने से पहले किसी एक इंसान को, कोशिश करें कि एक स्ट्रेंजर को मैं स्माइल दूंगा, और उसमें झिझक आए तो हमेशा ये रिपीट करना कि एम्ब्रेस द एम्बैरेसमेंट विल टेक यू इनटू हाइट्स। दोस्तों तो ये रहा आज का, एक बार से फिर मैं जल्दी से रैप अप करता हूं, ये जो मिरेकल मॉर्निंग आवर में उसमें क्या क्या आपको करना है। तो पहले बात तो आपको 8 घंटे की नींद करनी है, बिटवीन 8 PM to 8 AM, चूज एनी 8 आवर्स एंड स्लीप इन द सेम टाइम एवरी डे। तो 8 घंटे की नींद हो गई, बढ़िया अच्छी तरीके से 8 घंटे की नींद जब लेके सुबह उठेंगे, उसके बाद अपना फ्रेश हो, उसके बाद आधा लीटर पानी पी जाएं, उसके बाद 20 मिनट मेडिटेशन करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, मैं तो पुशअप, सिटअप और सनी सैल्यूटेशन, मैं तो सूर्य नमस्कार करता हूं, आपको जो अच्छा लगे अपने बॉडी के हिसाब से वो करें। उसके बाद लिखें अपना पेपर पैड या पेंसिल, लिखें कि ग्रेटिट्यूड, बेसिकली थैंक यू बोलें, लास्ट यस्टरडे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, थैंक यू बोलने के लिए आप सुबह उठे और सांस ले रहे हो, जिंदा हो, क्या ये कम है थैंक यू बोलने के लिए। तो इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हो, और एक दो अपनी लाइफ की लिख सकते हो, वो रिपीट भी हो सकती है डेली, अरे आई एम लिविंग इन दिस कंट्री, आई एम हेल्दी, आई हैव अ फैमिली, आई हैव दिस थिंग्स, आई हैव अ हाउस, यू नो, सारी चीजें थैंक यू बोलने की दोस्तों, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप इंटेंशन दिन का लिख सकते हैं कि टुडे आई डिसाइडेड टू बी रियली हैप्पी, टुडे आई डिसाइडेड टू हेल्प समवन, टुडे आई डिसाइडेड टू गिव 10 पीपल स्माइल, इस तरीके की इंटेंशन रखे दोस्तों, आपका एवरी डे इज गोइंग टू लाइक यू नो अमेजिंग अमेजिंग डे। और उसके बाद जैसे हमने बताया कि आप जो 3 मेजर टास्क हैं पूरे दिन के, जो बड़े बड़े हैं, जिन टास्क को करने से सही में आपका दिन आपको लगेगा कि प्रोडक्टिव रहा और इंपैक्टफुल रहा, तो वो टास्क लिखते हैं, है ना। और उसके बाद बस वही चीज मैंने बताया कि निकल पड़े सुबह सुबह देने के लिए स्माइल, किसी एक स्ट्रेंजर से मिले और उससे बात करके या किसी चीज की तारीफ करके उसको स्माइल दें, या कुछ नहीं मिलता फोन पे, कुछ नहीं होता फेसबुक पे, कहीं पे भी इंटरेक्ट करें और किसी एक आदमी को स्माइल दे। दोस्तों एक कोट में पढ़ना चाहूंगा, ये गिविंग पे और टेकिंग पे, और हमारे विंस्टन चर्चिल साहब का ये कोट है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ये, कि वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक अ लाइफ बाई वॉट वी गिव। तो दोस्तों स्माइल दो किसी को, और थैंक यू दो अपने आप को, किसी को अच्छे विचार दो। बात मैं ऐसे कर रहा हूं जैसे मैं कोई साधु हो गया हूं, दोस्तों साधु नहीं है, ये मेरी लाइफ है। और अगर आप देखो आज मैं अभी 12 बजने वाले हैं यहाँ पे कनाडा में, एक्चुअली या अभी 11:40 हो रहे हैं, और देखिए मैं आपके मुखातिब हूँ, आपसे फेसबुक लाइव पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर जरा से इसमें कुछ अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक में जहाँ भी आप शेयर करना चाहेंगे। और एक बुक रिकमेंड करूँगा इसी स्पिरिचुअलिटी और अपने जीवन को काम और शांत बनाने के लिए,
और वो बुक है पावर ऑफ नाउ दोस्तों, बाय एकहार्ट टोली. इज अ ग्रेट ग्रेट फिलासफर एंड इज अ ग्रेट ग्रेट पर्सन. सो उनकी आप जो है किताब पढ़ सकते हैं, और उसका नाम अगेन पावर ऑफ नाउ. अगर किताब आपको नहीं खरीदनी है, यूट्यूब में जाएं और पावर ऑफ नाउ को टाइप करें तो ऑडियो बुक पड़ी हुई है, फ्री में सुन सकते हैं दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, यही आज का समय रहा, और हर मंडे को मैं आपसे आता हूं इंडिया के टाइम 9 बजे. अब कोशिश करूंगा कि इंडिया के टाइम 8 बजे आऊं, क्योंकि कनाडा में काफ़ी रात हो जाती है, यहां पे समय 2 बार चेंज होता है, तो अभी क्या कहते हैं काफ़ी लेट हो जाता है. इंडिया के टाइम 9 बजे सुबह का मतलब है कि 11:30 बज जाते हैं रात के कनाडा में. तो कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते इंडिया का टाइम 8 बजे AM एवरी मंडे, और कनाडा का टाइम होगा 10:30 बजे रात में. तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से मैं नाम लेना चाहूँगा अपने दोस्तों को जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया यहाँ पे. महेंद्र कुमार पाल, सुनील कुमार पटेल, जीतू सिंह, शर्मिना नीलेश कुमार, नौशाद अहमद, राहुल श्रीवास्तव, बेनार्ड वॉन स्पाइक, ट्रेसी गिब्स, गौरव शैंडी, अल्पेश काकू, योनी कैंपेसी, सेवा ग्रुप, प्रेमजीत ग्रेवाल साहब, शेर लुशियानी, सुधांशु चतुर्वेदी, देवेंद्र बंशल एंड खेम अच्छा, गौरव प्रताप सिंह, एंजला बिजारानो रंजानो, सधोला मिश्रा भाई साहब एंड विजय सॉरी विनय श्रीपद एंड शकुब्दा बैनर्जी, जावेद मुगल, भावेश कोठारी, हरदम मंगत, गुरसेवक सिंह रोमन एंड श्वेता स्वामी एंड महेंद्र पाल सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड देन सनी बाजवा साहब एंड सौरिन दवे साहब, रिंकी मिश्रा माय वाइफ, आई एम अपस्टेयर एंड शी इज लिसनिंग फ्रॉम द डाउनस्टेयर, एंड जूली हर्मिस्ट माय डियर फ्रेंड फ्रॉम यस, we still remember you, you are such a wonderful lady, and Sunil Pawal sahab, thank you very much. दोस्तों इसको आप share करें, और ये आपका जो morning miracle morning या morning power hour जो है, that has a tremendous impact दोस्तों. फिर से जैसे कि मैंने शुरू किया था कि आज के दिन, आज के समय में especially corporate sector की, या that matter even the business also, life has become so hectic, so stressful, कि अगर आप मॉर्निंग को ठीक से अगर संभाल लेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये लाइफ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, तो लाइफ को, लाइफ किससे बनती है, लाइफ सालों से बनती है, साल महीनों से बनते हैं, महीने वीक से बनते हैं, वीक डेज से बनते हैं, और हर डे की शुरुआत मॉर्निंग से होती है. तो अगर आपको अपने मॉर्निंग का सबसे उठने का पहला आवर अगर आपको पावर आवर बनाना है, तो ये प्रैक्टिस आप करें. मैं जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें करें, इनमें से कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं. यू कैन डू एज लिटिल एज स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर एवरी मॉर्निंग. यू कैन स्टार्ट जस्ट सिटिंग ओनली फॉर 2 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट लुकिंग एट द सेल फोन और समथिंग. जस्ट शांति से बैठ के आपके जो भी ईस्ट हैं, वाहेगुरु हैं, आपके कोई भगवान है, अल्लाह, जिनके भी नाम से आप यू नो जो भी आपकी प्रैक्टिस और आपका तरीका है आपके रिलीजन में, आपके फेथ में, बैठ के शांति के साथ अपने आप को बोलें कि हे दैट माय ग्रेट यू नो पावर, आई एम गोइंग टू लिव माय डे विद दिस इंटेंशन, एंड आई एम गोइंग टू गिव अ स्माइल टू वन पर्सन, एंड आई एम हियर, आई एम अलाइव, आई एम ब्रीथिंग. That is the greatest gift that power has given to me. So, दोस्तों मैं कोई साधु नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ खोया है, और उसके बाद क्या है कि अब सिर्फ यही रहता है कि क्या दे सकूँ अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को और अपने वेलविशर्स को, और बस उसी में मजा आता है. दोस्तों हम सब सुनते हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट, बट द वे वी प्लान अवर लाइफ लाइक वी आर गोइंग टू लिव 1000 ईयर्स, दैट इज नॉट द केस. या तो कभी कभी पैसा बनाना बहुत अच्छी बात है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन कभी कभी बैठ के ये भी सोचना चाहिए कि कितना पैसा हमको चाहिए और वो पैसा क्या करके आ रहा है. अगर आप 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक ऐसा
घर में आते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, इतना बिजी हैं, तो कभी कभी आपको देखना पड़ेगा कि इज रियली वर्थ। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप $5 लाख आप साल के कमा रहे हैं और अगर आपको $3 लाख कमाने हों, $2 लाख अगर आपके लूज भी होते हों, लेकिन आप अगर फैमिली को टाइम दे सकते हैं, फॉरगेट अबाउट द फैमिली, फैमिली बाद में आती है, पहले आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं क्या, यू नो, आप 8 घंटे की नींद अफोर्ड कर सकते हैं क्या। मैं तो रिचेस्ट पर्सन उस आदमी मांगता हूं कि जो 8 घंटे की नींद रेगुलरली 8 बजे शाम से लेके 8 बजे की सुबह तक अगर सो सकता है, मैं तो बोलता हूँ कि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि वो हेल्थ वाइज और फैमिली वाइज और हर तरीके से बहुत हेल्दी, खुश और मस्त लाइफ जिएगा। तो दोस्तों, अगर कोई बात आपको खराब लगी हो जो मैं बोला हूं, तो किसी को दुखी करने का मेरा इंटेंशन नहीं था, ये जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कुछ खो के बहुत कुछ सीखा है, और ये चीजें तो सबसे ज्यादा जो मजा आता है कि मॉर्निंग का जो पहला आवर होता है, जिस दिन नहीं कर पाता फॉर सम रीजन, उस दिन पूरा दिन बताता है राकेश आज तुम्हारी पावर वीक है, क्योंकि तुमने अपना पावर चार्ज नहीं किया है मॉर्निंग में। दोस्तों, छोड़ने का दिल नहीं करता आपको, जब भी आता हूं, लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि कल भी सुबह उठना है और कल के पावर आवर की भी तैयारी करनी है, और आपको जो चीज़ प्रीच करता हूं प्रैक्टिस भी करना चाहिए, लेकिन इस मंडे को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आना पड़ता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ किसी तरीके से आप मुझसे रीच करना चाहें, बात करना चाहें, चाहे यू नो हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, सोशल लाइफ को लेके, करियर को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, जो सीखता हूं बड़ी अच्छी तरीके से सीखता हूं, चाहे उसका बहुत पैसे रुपए दे के सीखता हूं, कोचेज हैं, मेंटर हैं, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। फिर से डिस्क्लेमर रिपीट करना चाहूंगा, जितनी चीज़ें मैंने शेयर की वो मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूं वो शेयर की, बाकी ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूं, ना डॉक्टर हूं, ना प्रैक्टिशनर हूं, तो अगर आप करें तो अपने रिस्क पर करें, या आप अपने प्रॉपर प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट या डॉक्टर की कंसल्ट से करें। ठीक है दोस्तों, सो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त राकेश मिश्रा यहाँ टोरंटो से आपसे अब इजाजत चाहता है, इस वादे के साथ कि अगले मंडे को सुबह हम आपसे इंडियन टाइम 9 बजे सुबह या 8 बजे सुबह, 8 से 9 बजे के बीच में हम आप जरूर मिलेंगे। दोस्तों, कोई चीज बात अच्छी इसमें लगी हो जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, या और लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड आप देख तो नहीं सकते हैं लेकिन आई सल्यूट यू एंड Have a wonderful day and stay blessed and stay excited and keep inspiring and helping the world. Yeah? So give a smile to one person today, and if you want, you can write to me on my messenger, private or publicly, that hey, you have given a smile to one person. Okay? I think you can. Thank you very much for joining once again, everybody. Bye-bye.